मध्य प्रदेश के एक डिप्टी एसपी हैं है नाम है संतोष पटेल उनके वीडियो लगातार चर्चाओं में रहते हैं घटी गांव में उनकी तैनाती है और आपको पिछला एक वीडियो उनका याद ही होगा जिसमें वो अफसर बनकर पहली बार वर्दी में अपनी मां के पास पहुंचे थे मां उनकी घास काट रही थी और नौकरी और खेती किसानी की उनसे जो चर्चा हुई थी उसका संवाद खूब वायरल हुआ था अब उन्हीं डिप्टी एस का एक और वीडियो सामने आया है और ये वीडियो आया है सामने महिला दिवस के मौके पर बनाया गया जिसमें एस अपनी सरकारी गाड़ी में जा रहे थे ड्यूटी के दौरान उन्हें धूप में चलते हुए सड़क किनारे एक बुज़ुर्ग दंपति दिखे जिन्हें वो अपने कार में बैठा लेते हैं और उन्हें लिफ्ट देते हुए उनके गांव तक छोड़ते हैं जहाँ पर जैसे ही वो उन्हें उतारते हैं तभी एक महिला जो उसमें बैठी हुई थी बुज़ुर्ग महिला वो किराए के रूप में डिप्टी एसपी को बीस रुपये देने लगती है इस पूरी संवाद और इसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर खुद शेयर किया है डिप्टी एस ने और अब वो तेजी से वायरल हो रहा है नमस्कार मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी इस पुलिस अफसर का वीडियो इसीलिए चर्चा में आ गया है क्योंकि उसके बाद उन्होंने जो बुजुर्ग की विदाई की थी वो मिठाई खिलाकर की क्योंकि अमूमन पुलिस के सामने आने वाली छवि बिल्कुल अलग होती है यहाँ एक अफसर चिलचिलाती धूप में पैदल जा रहे एक गरीब दंपति की मदद कर रहा है बदले में पुलिस अफसर को मिलता क्या है दुआएं। जी हाँ बुधवार को होली और महिला दिवस दरअसल एक साथ था होली के दिन वाहन न मिलने के कारण हाईवे पर एक बुज़ुर्ग दंपति पैदल ही जा रहे थे क्योंकि कुछ दूर में ही उनका गांव था उसी दौरान वहां से गुजर रहे एस संतोष पटेल की नज़र इस बुज़ुर्ग दंपति पर पड़ी उन्होंने गाड़ी रोक दी और दोनों को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उनके गाँव के पास तक छोड़ा लेकिन जब एस ने इन बुज़ुर्ग दंपति को छोड़ा और उनसे पूछा कि कहाँ जाना है तो उन्होंने बताया कि अब यहीं जाना है और ये रहे बीस रुपये आपके किराए के लिए जिसके बाद डिप्टी एस ने उन्हें मना किया कि नहीं हम किराया नहीं लेंगे और ये बेहद कम है ये जो संवाद है दोनों के बीच में बेहद दिलचस्प है और इसी दिलचस्प वार्तालाप का वीडियो अब तेज़ी से वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो की अब तक करीब 25 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं सबसे खास बात यह है कि महिला जो कि पीछे बैठी हुई थी उसने अपनी धोती की छोर से बीस रुपए का नोट निकाला और संतोष पटेल को देने लगी तभी संतोष पटेल ने उन्हें प्रणाम करते हुए रोका और उन्हें मिठाई खिलाकर विदा किया हालांकि लिफ्ट देने के बदले उन्हें खूब सारी दुआएं मिली। एस संतोष पटेल ने आत्मीय घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है और अभी उसे मात्र 24 घंटे बीते हैं और 24 घंटे में ही इसे 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है इसके साथ ही सरकार ने भी इसे रीशेयर किया है इससे पहले एक और वीडियो एस ने अपने अकाउंट से शेयर किया जिसकी भी चर्चा खूब हो रही है दरअसल जब वो गश्त पर निकले थे तो उन्हें रास्ते में एक युवक अपने घर के बाहर चार पांच बच्चों को बैठाकर पढ़ाता हुआ दिखाई दिया युवक ने बताया उसके दो बेटे और तीन बेटियां हैं उसके बाद उन्होंने बच्चों से भी बात की एस ने बच्चों से एक कविता सुनी और उसे आगे भी सुनाया कविता कुछ यूं थी कि मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओगे डर जाएगी दारू पियोगे तो होली बिगड़ जाएगी दिल छू लेने वाली इस कविता को डिप्टी एसपी ने बार बार उनसे दोहराई और बच्चों से भी ये संदेश दिलवाया कि आने वाली होली में किसी प्रकार की दारू का सेवन न करें और शांतिपूर्वक होलिका का दहन करके इस रंगों के त्यौहार को मनाएं वहीं इन दोनों वीडियो की अब खूब चर्चा हो रही है और लोग जमकर देख रहे हैं और डिप्टी एस की खूब सराहना भी कर रहे हैं इस खबर में फिलहाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ नमस्कार